हेलो दोस्तों आज हम डिस्ट अंडरबन बॉक्सिंग करने वाले हैं, एक रिमोट कंट्रोल इंस्टेंट कार की अनबॉक्सिंग। और मैंने इसको बाय किया पूरे 500 रुपए के अंदर, और आप इसे बाय करना चाहते हैं इसका लिंक आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये एक हमारी बैटरी ऑपरेटेड कार, ये हमारी रिचार्जेबल कार्ड नहीं मिलती है, वो मैंने इसको मंगाया रेड कलर में, आप इसे बहुत से मंडी कलर में मंगा सकते हैं। और चलिए जल्दी से नैफ की मदद से हम इसके बॉक्स को कर लेते हैं अनबॉक्स। चलिए जल्दी से कर लेते हैं अनबॉक्स। और उसमें लगा मिल जाता है हमें नीचे टेप को मैंने कर दिया कट। तो चलिए जल्दी से इसके बॉक्स इसको मैं निकाल लेता हूँ और देखते हैं बॉक्स में साथ सेल मिलती है नहीं। और ये हमारी फोर फंक्शन वाली कार, आप इसे राइट लेफ्ट फॉरवर्ड अकाउंट में भी चला सकते हैं, टू फंक्शन वाली कार नहीं है दोस्तों। अंडर 500 में मिल जाती है फोर फंक्शन वाली कार। और इसके साथ हमें बॉक्स में कुछ देखने को नहीं मिलता, ना सेल तो मिली जाती है दोस्तों, पर सेल हमें इसके साथ देखने को नहीं मिलता। ये हमारा रिमोट आप देख सकते हैं। जल्दी से अपनी कार को मैं इसके बॉक्स से निकाल दूँ, आप देख सकते हैं बॉक्स हमें थर्माकोल का मिल जाता है। चलिए इसके बॉक्स को रखता हूँ साइड में। और कार बहुत छोटी सी मिल जाती है, एक रिमोट मिल जाता है। और आप देख सकते हैं सबसे पहले कर लेता हूँ इस कार की बात, क्योंकि ये हमारी सेल वाली कार। आप देख सकते हैं टायर थोड़े छोटे मिलते हैं दोस्तों, हमने पहले भी एक स्टंट कार की अनबॉक्सिंग उसके अंदर बहुत बड़े बड़े टायर मिल जाते थे। और टायर के अंदर में लाइट्स भी मिलती, देखते हैं इन टायर के अंदर में लाइट्स मिलेंगी या नहीं, या इसकी बॉडी में लाइट्स मिलेंगी वो तो हमें देखते हैं अभी बैटरी डालने के बाद। जब देखेंगे इसके टायर फुली रबड़ के मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं लाइट कलर के इसके अंदर व्हील लगे हुए हैं, और ये ट्रांसपेरेंट टायर मिल जाते हैं देखने को फोर के। और ये आपका पार्ट आगे का वर्क करने वाला है दोस्तों 360 में, आप देख सकते हैं रोलिंग कर सकते हैं आप अपने हैंड से भी। और देखते हैं ये कैसे वर्क करेगा, वो तो हम आपको सेल डालने के बाद दिखाएंगे। और दो व्हील ऊपर लगे हैं दोस्तों, ऊपर के व्हील की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं मिलती, ये डैमेज हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें प्लास्टिक के मिलते हैं। और दोस्तों ये वायर शायद हमें एंटीना का वर्क करने वाला है रिमोट रेंज के लिए, क्योंकि वायर लिखा है ऊपर। और देखते हैं इस पार्ट में हमें लाइट्स मिलेंगी नहीं, इन दो कोकिंग भी ट्रांसपेरेंट मिलते हैं दोस्तों। और नीचे की बात करूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं नीचे इसका बैटिक कंपार्टमेंट देखने को हमें मिल जाता है, और यहाँ मिल जाता है इसका ऑफ एंड ऑन के लिए एक रेड कलर का स्विच। चलिए जल्दी से मैं इसको खोल कर दोस्तों देख लेता हूँ किस फटाफट से, और देख लेते हैं इसके अंदर में कितनी सेल डालनी होगी। फटाफट से मैंने इसके स्क्रू को निकाल दिया है, देख लेते हैं इसके बैटिंग। तो दोस्तों इसके अंदर लगने वाली हमारी 3 सेल। और उससे पहले आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल डबन बॉक्सिंग को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके दबा दें दोस्तों, जिससे आपको हमारे चैनल पर नए नए वीडियो लाते रहते हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को एक लाइक कर दें। तो चलिए जल्दी से इसके बैटिंग कंपार्टमेंट को कर देते हैं क्लोज, और स्विच को कर देते हैं दोस्तों ऑन। आप देख सकते हैं इसके अंदर लाइट्स मिलती हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं जो डिजाइन इसमें देखने को मिलते हैं, दो लाइट्स इसके अंदर लगी हुई हैं दोस्तों, ब्लू कलर की और एक रेड एंड ग्रीन ब्लू, थ्री कलर की लाइट्स पार्ट्स में लगी हुई हैं आप देख सकते हैं जो बीच में। और कार पे कोई ब्रांडिंग हमें देखने को मिले, कुछ भी लिखा नहीं मिलता, स्टंट कार भी लिखा नहीं मिलता, कुछ भी लिखा नहीं मिलता दोस्तों। और दोस्तों टायर में लाइट्स नहीं मिलती दोस्तों, बहुत सी स्टंट कार में हमें लाइट्स देखने को मिल जाती है दोस्तों। एक स्टंट कार रोल मिलती है देखने में सेम, पर उसके अंदर प्लास्टिक के टायर मिलते हैं दोस्तों, इसके ट्रांसपेरेंट टायर आप देख सकते हैं, पर टायरों में हमें रबड़ देखने को नहीं मिलती। तो चलिए जल्दी इसके रिमोट के अंदर इंस्टॉलेशन कर लेते हैं, और सबसे पहले मैं लगा देता हूँ इसको स्क्रू, और देखते हैं स्क्रू को लगा जिससे हमारी बैटरी बार बार ना निकल जाए। तो फटाफट से मैंने इसको स्क्रू को लगा दिया दोस्तों। और दोस्तों आप देख सकते हैं इसके टायर पे तो हमें लाइट देखने को नहीं मिलती है दोस्तों, इसके बॉक्स में मिलते हैं, मैं आपको एक बार बॉक्स दिखा देता हूं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों बॉक्स पे जो हमें कार दिखाई हुई है दोस्तों, उसके टायरों में हमें देखने को लाइट्स मिलती हैं, बट इसके टायर्स में हमें लाइट्स देखने को नहीं मिलती। चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, एक बजट कार है अंडर 500 में, तो कर लेता हूं इसके रिमोट की बात। रिमोट में एक लाइट मिल जाती है, और एंटीना कार में कोई एंटीना मिलता है दोस्तों, वायर वाला एंटीना मिल जाता है, और दो रेड कलर के बटन देखने को मिलते हैं। देखते हैं ये हमारा करने वाला है राइट में एंड लेफ्ट में वर्क, और ये फॉरवर्ड बैकवर्ड। तो चलिए देख लेते हैं, काफ़ी अच्छे गेमिंग रिमोट जैसा इसका रिमोट मिल जाता है आप देख सकते हैं दोस्तों, रिमोट क्वालिटी ठीक ठाक ही मिल जाती है दोस्तों आप देख सकते हैं। और इसमें पीछे डालनी होगी हमें, यहाँ से ओपन करके इसके अंदर भी देखते हैं दोस्तों सेल, तो दो सेल इसके अंदर लगा देंगे दोस्तों हम। चलिए जल्दी से तो दो सेल में इसके अंदर आपको लगा कर दिखा दोस्तों, जब तक हम इंस्टॉलेशन करते हैं दोस्तों आप वीडियो को एक लाइक कर दें एंड कमेंट करके दोस्तों बताएं आप इस प्राइजिंग के अंदर कौन सी बेटर कार हो सकती है दोस्तों। ये तो हमें ऐसी मिलती है दोस्तों, इसके अंदर टायर की लाइट नहीं मिलती दोस्तों, पर एक स्टंट कार और भी हो सकते हैं दोस्तों, कमेंट करके बताएं आप देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं बस इसको चलाकर। तो दोस्तों आप देखेंगे जब इसे चलाते हैं आगे चल जाते हैं हमारे टायर, और इसे पीछे चला सकते हैं। मैं दिखा देता हूं इसको ऊपर वाला पार्ट दोस्तों, अगले टायर कैसे गोल गोल घूमते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं आप इसे लेफ्ट में घुमा सकते हैं टायर को, आप देख सकते हैं उस टायर लग रहा है जैसे कोई हेलीकॉप्टर हो, आप देख सकते हैं दोस्तों। और लाइट इंडिकेटर रिमोट में काफ़ी अच्छे से वर्क करता रहता है। चलिए दोस्तों एक बार हम कर लेते हैं इसकी टेस्टिंग, तो देखते हैं हमारी कार आप देख सकते हैं आगे चला सकते हैं इससे पीछे, और दोस्तों आगे फिर चलाते हैं आप दोस्तों, आपकी लाइट जब भी वर्क करती रहती है ऊपर की। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसके ऊपर के टायर हमारे कैसे वर्क करते हैं, तो आप देख सकते हैं बहुत तेज दोस्तों, बहुत ही फास्ट स्पीड मिल जाती है आप देख सकते हैं, बिल्कुल हेलीकॉप्टर बन जाती है हमारी कार आप देख सकते हैं। राइट में आप देख सकते हैं मैंने राइट में चलाई हुई है, और आप देख सकते हैं इसे लेफ्ट राइट में आप इसे चला सकते हैं। कंट्रोलिंग दोस्तों रिमोट की बहुत ही अच्छी मिल जाती है हमें देखने को आप देख सकते हैं, और जो अगर टायर में भी दोस्तों लाइट मिल जाती है तो बहुत ही मजा आ जाता है दोस्तों। चलिए जल्दी से इसकी दोस्तों टेस्टिंग करते हैं, देखते हैं इसको चलाकर कि हमारी फॉरवर्ड बैकवर्ड स्पीड हमें कैसी मिलती है और कैसे स्टंट करती है दोस्तों हमारी कार। चलिए करते हैं इसकी टेस्टिंग स्टार्ट। बैक में दोस्तों हम एक जगह बैठे हुए हैं दोस्तों, रिमोट रेंज देख लेते हैं कितनी दूर तक मिलती है। तो देखते हैं बैक में रिमोट रेंज कितनी दूर तक मिल जाती है आप देख सकते हैं, अच्छी कंट्रोलिंग करती है दोस्तों बैक में भी आप देख सकते हैं, बैक में भी और फ्रंट में भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से चला सकते हैं। फॉरवर्ड बैकवर्ड में काफ़ी अच्छे से चल जाती है हमारी कार, देख सकते हैं दोस्तों कितनी दूर तक चली गई है। और मैं आपको एक बार रिमोट दिखा देता हूं दोस्तों, रिमोट हमारे पास ही रखा हुआ है इसका दोस्तों, आप देख सकते हैं अटक गई हमारी कार ऊपर हो गई है, और मैं इसका एक बार रिमोट दिखा देता हूँ आपको दोस्तों, रिमोट हमारे पास ही है दोस्तों आप देख सकते हैं,
रिमोट हमारे पास है, लाइट्स काफ़ी अच्छी से वर्क कर रही है दोस्तों इसकी, और इतनी दूर तक ही रेंज इसकी हमें मिलती है दोस्तों। आप देख सकते हैं बहुत तेज दोस्तों, बहुत ही फास्ट स्पीड मिल जाती है, आप देख सकते हैं बिल्कुल हेलीकॉप्टर बन जाते हैं हमारे का, आप देख सकते हैं।